हेलो एवरीवन, आज मैं आपको स्टेथोस्कोप के बारे में बताने वाला हूँ। स्टेथोस्कोप क्या होता है, उसको यूज कैसे करते हैं और इसके पार्ट्स के क्या नाम हैं और ये कितने तरीके के होते हैं। स्टेथोस्कोप होता है क्या, पहले आप ये देखो। स्टेथोस्कोप इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या है ये हमारा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। स्टेथोस्कोप इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू लिसन टू द इंटरनल साउंड ऑफ बॉडी सच एज द हार्ट बीट एंड लंग साउंड। मतलब ये हमारा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल मतलब हॉस्पिटल में यूज करते हैं, मेडिकल क्लिनिक में यूज करते हैं। ये क्या काम करता है, पेशेंट की बॉडी का जो हार्ट बीट होता है, लंग्स का साउंड होता है, उसे ये सुनते हैं। कहने का मतलब पेशेंट बॉडी सच करता हार्ट बीट एंड लंग साउंड को सुनते हैं एज ए इसको स्टेथोस्कोप का आगे। ये यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ओटी में भी यूज होता है, आईसीयू में भी यूज होता है, इमरजेंसी में भी यूज करते हैं, वार्ड में भी हम इसे यूज़ करते हैं, ओपीडी में भी यूज़ करते हैं एंड अदर डिपार्टमेंट्स सच अस जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो वहाँ पर यूज़ करते हैं। कहाँ यूज नहीं करते, मेरे ख्याल से CSSD में यूज़ नहीं करते इसको। अगर कितने टाइप के होते हैं मैं ये बता दूँ, ये होते हैं हमारे तीन चार टाइप होते हैं, मैंने तीन टाइप डिफाइन किया है। फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप, सेकेंड हमारा रिकॉर्डिंग स्टेथोस्कोप, थर्ड हमारा फेटल स्टेथोस्कोप या डॉपलर स्टेथोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप टू कन्वर्ट ऑफ साउंड मेक टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब ये साउंड को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। दे आर एम्पलीफाइड एंड प्रोसेस टू मेक द लिसनिंग साउंड, मतलब ये एम्पलीफाई करता है एंड आगे प्रोसेसिंग करता है जिससे हम साउंड सुन सकें। जो हमारे सब इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप, सब इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप हैव ए डिजिटल डिस्प्ले टू शो बैटरी एंड अदर एरर। कुछ स्टेथोस्कोप होते हैं जिसमें बैटरी इंडिकेशन का भी एरर आता है या अदर दूसरा एरर भी आता है, वो हमारे डिस्प्ले पे शो करेगा। सेकेंड है हमारा फिटल स्टेथोस्कोप। फिटल स्टेथोस्कोप क्या होता है, फिटल स्टेथोस्कोप इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिसन टू द फिटल हार्ट साउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब कोई लेडीज प्रेगनेंसी होती प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे इसको यूज किया जाता है, उसके कंटिन्यू साउंड को सुना जाता है। फिटल स्टेथोस्कोप हैव ए बेल शेप और डिस्क शेप एंड दैट इज प्लेस्ड ऑन द मदर एब्डोमेन ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमन टू हियर टू द साउंड ऑफ द फेटस। मतलब इसका जो शेप होता है बेल शेप में होता है, डिस्क शेप में होता है, इसको मदर के एब्डोमेन पे लगाते हैं, मदर एब्डोमेन जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उस टाइम पे उसके अंदर भी साउंड को हम सुनते हैं। थर्ड हमारा आ गया रिकॉर्डिंग स्टेथोस्कोप। रिकॉर्डिंग स्टेथोस्कोप क्या होता है, रिकॉर्डिंग स्टेथोस्कोप इज ए मेडिकल डिवाइस नॉट ए इंस्ट्रूमेंट। डिवाइस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल में आ गया, ये भी हमारा मेडिकल डिवाइस है जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप के बारे में बताया था, ये हमारा रिकॉर्डिंग स्टेथोस्कोप है। रिकॉर्डिंग स्टेथोस्कोप इज ए मेडिकल डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर ऑडियो डाटा ऑफ द हार्ट एंड लंग्स, मतलब कि उसके डाटा को स्टोर करता है किसके, हार्ट के एंड लंग्स को, और इसको हम शेयर भी कर सकते हैं। दिस रिकॉर्ड डाटा कैन बी रिव्यू, इसके डाटा को हम रिव्यू भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं या फर्दर किसी दूसरे को दिखाना है तो हम उसको शेयर भी कर सकते हैं। प्लस रिकॉर्डिंग स्टेथोस्कोप है इसको हम अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं एज ए वायरलेस लाइक ब्लूटूथ एंड वाईफाई। आपने देखा होगा सारे टाइम पे भी दिखाया था रिकॉर्डिंग स्टेथोस्कोप, ये क्या करता है आपके डाटा को सुनता है, रिकॉर्ड करता है जिससे आप कहीं दूसरी जगह दिखाना हो उसको दिखा सकते हैं या अपने फ्रेंड को दिखाना हो दिखा सकते हो। प्लस ये आपका वेव को भी रिकॉर्ड करता है, वेव आप किस पे देख सकते हो मोबाइल में, आपने लगाया ऑन किया चेस्ट पे मोबाइल वाईफाई से ब्लूटूथ से कनेक्ट किया तो आपके वेव को भी रिकॉर्ड करेगा कि आपके हार्ट बीट कितनी आ रही, वेव किस तरीके से बढ़ रही है। वो वेव आप अगर इंडिया में बैठे हो US में किसी डॉक्टर को दिखाना हो तो दिखा सकते हो किसके थ्रू, रिकॉर्डिंग स्टेथोस्कोप के थ्रू। अब आ जाते हैं इनके पार्ट्स के नाम, इनके पार्ट्स के क्या क्या नाम है। पहला हमारा आ गया ईयरपीस। ईयरपीस किसको बोलते हैं, इसको ईयरपीस बोलते हैं जो हम कान में लगाते हैं। सेकेंड आ गया हमारा ईयर ट्यूब, ये हमारा ईयर ट्यूब हो गया। एंड हमारा आ गया डायफ्राम, ये आ गया हमारा डायफ्राम। एंड बेली, ये हमारा आ गया बेली। एंड ट्यूब, ये हमारा ट्यूब लेटेक्स फ्री पीवीसी ट्यूब।
और भी कई तरीके के आते हैं स्टेथोस्कोप, उसमें अलग अलग चीज़ होते हैं, उसे कई सारे पार्ट्स हैं, मैंने आपको मेन मेन पार्ट्स के नाम बताए। स्टेथोस्कोप ये होता है, किस तरीके से होता है, आपने देख लिया इसके पार्ट्स का क्या नाम है, किस तरीके से होता है। थैंक यू।